तो ये वार पलटवार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो चल रहा है अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर, और इस वक्त जो बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जैनेन्द्र ने दी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी तो चुनाव मैदान में नहीं उतरने जा रही, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये तय किया गया है पार्टी के भीतर कि राहुल गांधी यूपी से नाता खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अमेठी की जगह इस बार रायबरेली वो सीट हो सकती है जहां से चुनाव मैदान में राहुल गांधी उतरे। और रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। वीरेश, अमेठी नहीं रायबरेली राहुल गांधी चुन सकते हैं, इसका मैसेज किस तरीके का जाएगा? देखिए, अभी तक जितना भी मैसेज गया है, संदेश गया है, परसेप्शन गया है, वो बेहद ही खराब गया है। अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जंग हारना बुरी बात नहीं है, जंग से भागना जो है, रणछोड़ मल होना, ये बुरी बात मानी जाती रही है, इतिहास भी इसका साक्षी रहा है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अमेठी और रायबरेली में अपने टिकटों की घोषणा नहीं की और लड़ने से इधर उधर भाग रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ेंगे तो जनता क्या कहेगी, और साथ ही साथ जो विपक्ष है, स्मृति ईरानी है, भाजपा है, वो क्या कहेगी? स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ऐसे में जो गांधी परिवार की साख थी उसे दांव पर लगाने का काम किया है इन भाई बहनों ने। 80 सीटों का स्टेट है, प्रदेश है यूपी, और गढ़ रहा है कांग्रेस का, और ऐसे में चाहे अब राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, प्रियंका गांधी लड़े, जो टीआरपी है पार्टी की और यूपी में कांग्रेस की, उसे खत्म करने का काम और उसकी जिम्मेदारी नहीं दोनों भाई बहनों पर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब मेरी बात हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी काफी मायूस है, उनका कहना आप है मेरे कि साथ हम किस मुंह से। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं। अभिषेक, 3 बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे, 2019 में अमेठी हार गए, और अब जब उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो जैसा कि जैनेन्द्र ने अभी बताया ना, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो ये तो अमेठी से जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसकी भी राह मुश्किल करने का काम करेंगे। देखिए रोमाना, अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की एक सरप्राइज स्ट्रेटजी है। तमाम सारे सूत्र हैं, कभी सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही कि नहीं लड़ेंगे, कभी आ रही लड़ेंगे, कभी आ रही है कि रायबरेली से लड़ेंगे, तो तमाम सारे सूत्र अलग अलग तरह से चल रहे हैं, लेकिन समझ में ही आ रहा है कि ये बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा है और ये रणनीति है चौंकाने वाली। हमारे साथ में, मैं अमेठी में कांग्रेस के कार्यालय में हूँ, प्रदीप सिंघल मौजूद है जो जिला अध्यक्ष है यहाँ पर, और इनसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंघल साहब आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। ये देखिए राहुल गांधी का ये तस्वीर लेकर झंडा लहरा रहे हैं, तो आपको तो खबर होगी कि क्या होने जा रहा है, आपको तो अमेठी बैठे हुए, अमेठी के सर्वे सर्वा हैं आप। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और बहुत जल्दी ही शुभ संकेत आपको मिलेंगे। शुभ संकेत हैं ये मान रहे हैं आप? हमको तो जब से हम जिलाध्यक्ष बने हैं तब से हमारी तमन्ना यही है कि राहुल जी यहाँ पे चुनाव लड़े, अमेठी से लड़े। बिल्कुल, अमेठी तमन्ना एक चीज होती है और हकीकत एक चीज होती है, तमन्ना और या विश्वास कह लीजिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी यहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे। बिल्कुल, आज 2 मई को भी आप कह रहे हैं? हम आज भी कह रहे हैं, और आप जिला अध्यक्ष हैं, एक महीना पहले भी कह रहे थे कि राहुल जी यहां से चुनाव तैयारी हुई, नामांकन सेट, वकील, ये सब जो प्रोसेस होती है, अब एक ही दिन बचा है, तैयारियां पूरी हैं? देखिए, संगठन का जो काम है, संगठन अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट है, और नामांकन की रही बात, नामांकन के भी जो संगठन का काम हम लोगों को मिला है वो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हर काम बिल्कुल फिट है। एक बात और बता दीजिए आखिर में, आप फिट वाली बात बहुत जोर से कहते हैं, एक बात ये बता दीजिए सिंघल साहब कि अब तो एक ही दिन बचा है, तो कुछ पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है कि तैयारी पक्की रखो, जैसे ही घोषित होगा नामांकन की प्रक्रिया के लिए कानूनी तैयारियां पूरी? लोग पूरी तरह से सब कुछ तैयार है, जैसे जैसे समय आता जाएगा, हर चीज का एक समय होता है जी, जिस तरह समय आएगा। संदेश मिला है ऊपर से? अरे अब मिला है, लेकिन समय पर आपको वो उचित समय पर बता दिया जाएगा। मिला है क्योंकि हर एक नहीं खोल रहा है कोई भी कांग्रेसी नेता औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने कैमरे पर। आप रहिए हमारे साथ अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, एक और बड़ी खबर पर भी आपसे बात करनी है। फिलहाल वीरेश और जैनेन्द्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।